सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। गाइज, हमने HTML का ट्यूटोरियल शुरू किया है, उसके ऊपर जो आपका प्यार हमको मिला है उसको देख के हम बड़े खुश हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए, हमको मोटिवेट करते रहिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट टू के अंदर कि हम प्री टैग किस प्रकार लगाएंगे, या फिर स्मॉल या बिग टैग या सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट किस प्रकार करेंगे HTML में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। तो साथियों, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो फाइल सेव करी थी ये WEB वेब वाली, ठीक है, इसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ध्यान आ गया ना आपको, हमने ये फाइल इतनी बनाई थी। अब हमने लगाना इसमें प्री टैग, हम आगे किस प्रकार काम करेंगे। तो अगर इसी फाइल में अगर हमने काम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसकी नोटपैड फाइल ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक यूज़ करूँगा, ठीक है, और करूँगा ओपन विद, और इसको कर लूँगा नोटपैड। यहाँ पे नहीं है तो हम चूज डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। और ओके, मैं इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये नोटपैड फाइल थी, ये प्रोग्राम हमने लिखा था जिससे कि ये वाली फाइल क्रिएट हो गई थी। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्री टैग। देखिए, जो भी हमने काम करना होता है, इसमें हमने एडिट करना है, सब टैग और लगानी है, तो सारा काम हम इस बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बॉडी स्टार्ट है, बॉडी क्लोज है। अगर हमने यहाँ बीच में एडिट करना है तो बीच में करेंगे, या नई टैग यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे इसको नीचे खिसका लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे काम करेंगे, हमने लगाना है यहाँ पे प्री टैग। अब प्री टैग क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने क्रिएट करनी है तो देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन के साथ PRE, बस सिर्फ प्री हमने लिखना है और ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप डाल लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आए। अब हमने करना है फिर से लेस देन, और यहाँ पे लिखना है HR। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो, और लिखेंगे उसका कलर, क्योंकि उसका रो का कलर भी डालना है। हमने कैसे कलर की रो लेनी है, अगर हमारी बैकग्राउंड येलो है तो इसके ऊपर कैसा दिखना चाहिए, अगर हम ब्लू कलर की ले लें तो शायद दिखाई देगी सही तरीके से ना। तो मैं यहाँ पे कलर डाल लूँगा ब्लू और ग्रेटर देन। हमारी ये टैग क्लियर। एक बार इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और इस फाइल को आके हम करेंगे रिफ्रेश। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, प्री लाइन हो गई ना हमारी। ऐसे हमने क्लोज करना है, तो फिर से मैं लिखने का टाइम बचा लेता हूँ, इसको सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये हम करेंगे यहाँ पे क्लोज के लिए। यूज़ हो गया। और कलर मैं इस बार चेंज कर देता हूँ, इस बार कर लेता हूँ मैं ग्रीन, इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ और सेव। फिर से यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर की प्री लाइन एंड हो जाएगी। इन दोनों लाइनों के बीच में अगर हमने टेक्स्ट लिखना है तो देखो, मान लो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट, ठीक है, यहाँ से हटा लिया मैंने इसको, और यहाँ गैप डालता हूँ और यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट। मैंने उस टैग को यहाँ पेस्ट कर दिया तो बीच में ये टेक्स्ट आ गया ना, इसका मतलब इंडिया प्री लाइन के बीच में आ जाएगा। मैं फिर से सेव कर देता हूँ इसको और सेव यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो, ये इंडिया यहाँ पे आ गया, प्री लाइन इसके ऊपर और नीचे हो गई। अब नेक्स्ट टैग आती है, फिर से हम फॉर्मेटिंग में चल रहे थे तो स्मॉल एंड बिग टैग के हिसाब से कोई भी फॉन्ट है, हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर, सेम वर्ड लिख लेता हूँ ताकि चेंजिंग आपको नजर आए। इसका शायद सी हमारा स्मॉल हो गया, कैपिटल सी लिख लेता हूँ तो एक जैसे नजर आएंगे, ठीक है। हमने चार वर्ड लिख लिए, अगर इसको हमने नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लेंगे, इसको अगर हमने स्मॉल करना है तो हम देखो इस वाले को स्मॉल करेंगे तो उससे पहले हम एक टैग शुरू करेंगे स्मॉल, और सिर्फ इसी को रखना है तो इसके आखिरी में जाएंगे और कर देंगे क्लोज, हो गया। सेव करते हैं। अब देखो इनमें फर्क देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो प्री के अंदर लिख दिया हमने, प्री के बाहर लिखता हूँ मैं पहले, तो इसको प्री को मैंने यहाँ से हटा देना है,
यहाँ से कट कर लूँगा मैं इसको, और यहाँ पे इंडिया के बाद इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब फिर से सेव करूँगा। अब ये टेक्स्ट हमारा अलग हो गया ना, यहाँ से हम गैप डाल लेते, देखो यहाँ पे ये अलग लिख रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं। अब रिफ्रेश करूँगा मैं तो इंडिया इंडिया अंदर है। अब देखो यहाँ पे एक ही लाइन में ये नॉर्मल है, ये स्मॉल हो गया। अब हमको अच्छे से नज़र आए तो क्या करेंगे, इसमें लाइन में ना दिखा करके हम यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल लेते हैं, और साथ साथ हम इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लाइन ब्रेक के लिए, जो पहले बताई है मैंने, बी आर टैग यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ भी हम बी आर टैग यूज़ कर लेंगे। अब हमने इसको करना है बिग, तो करेंगे यहाँ पे बिग ग्रेटर देन, और फिर से हम यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज, बिग को क्लोज कर दिया, और फिर से लाइन ब्रेक डाल देते हैं बी आर। देख लिया हमने क्या क्या चेंजमेंट किया है, इसको सेव कर लिया हमने फाइल को, और अब इसको आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे लाइन ब्रेक हो गए। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल रेगुलर हो गया हमारा, फिर स्मॉल हो गया, और ये बिग हो गया, तीनों का पता चल रहा है ना। अब देखो और फॉर्मेट लगाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, ये है स्ट्रॉन्ग टैग, और यहाँ पे आके हम स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे, और लाइन ब्रेक भी डाल देंगे। एक और लगा लेते हैं साथ साथ, स्ट्रिक आउट का और लगा देते हैं हम, करेंगे स्ट्रिक, और यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर, और स्ट्रेक को बंद कर देंगे, ठीक है, और लाइन ब्रेक भी डाल देते हैं, और कर लेंगे सेव। अब करेंगे इसको फिर से हम रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे ये हमारा बिग था, उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये हमारा स्ट्रिक आउट हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि हमने मैथ की और साइंस की समीकरण लिखनी है, मैथ के फॉर्मूले और साइंस की समीकरण, तो उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मान लो हमने लिखना है ए एक की पावर दो प्लस बी की पावर दो, है ना। तो यहाँ तो पावर तो नहीं बनी, अगर हम इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे तो पावर नहीं लेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ पे पावर बनानी है, जिसको हमने दो को पावर बनाना है, तो हम दो को क्या करेंगे सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। उसके लिए दो से पहले यहाँ पे लेस देन शुरू करेंगे और लिखेंगे सुपर के लिए एस यू पी, और इस दो के बाद हम कर देंगे सुपर को बंद, सुपर हो गया। इसी प्रकार हमने प्लस को और बी को नॉर्मल रखना है, और इस टू को फिर से हमने सुपर करना है। तो क्या करें, मैं लिखने का टाइम बचाता हूँ, मैं इस कंप्लीट यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी, और इस दो की जगह कर दूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये भी सुपर हो गया। अब डाल देंगे यहाँ पे लाइन ब्रेक, देखें एक बार रिफ्रेश करके, सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ए की पावर दो और बी की पावर दो, ठीक है। ऐसे साइंस की हमने समीकरण लिखनी है, मान लो हमने लिखना है हमने H2O, ठीक है, तो हम क्या करेंगे H2O के लिए यहाँ पे टू से पहले इधर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट SUB। अब दो के बाद चले जाएंगे और सब को कर देंगे बंद, ओके SUB सब ग्रेटर देन हो गया, सेव कर देते हैं कंट्रोल S, और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अब ये देखो H2O जो साइंस की समीकरण होती है उस प्रकार से हमारी समीकरण बन गई। फॉन्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से बता देता हूँ फॉन्ट के लिए, अगर हम फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक बार डाल देते लाइन ब्रेक, और नीचे आएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने मान लो लिखना है फॉन्ट शुरू करना है, तो हम फॉन्ट शुरू कर देंगे कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है उसका हमने फेस क्या रखना है, यानी कि किस प्रकार का फॉन्ट रखना है उसका नाम, वो उसके लिए हम लिखेंगे फेस। फॉन्ट फेस हमने कैसा रखना है, टाइम न्यू रोमन का रखना है, कोरियर फॉन्ट रखना है, सिलिबरी फॉन्ट रखना है, वो नाम डालेंगे। मैं यहाँ पे मान लो एग्जांपल डाल देता हूँ CORIER कोरियर, ये हो गया हमारा फॉन्ट का फेस कि डिज़ाइन इस प्रकार का है। स्पेस, अगर हमने कलर भी डालना है तो हम कलर यूज़ करेंगे, कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, स्पेस यूज़ करेंगे। साइज़ भी लेना है
तो हम साइज लिखेंगे इज इक्वल टू जो भी हमने साइज लेना है। ये हमने फॉन्ट चेंज करना है, किसका फॉन्ट चेंज करना है कि ये जो हमने टैग लगाई है इसके बाद हम जो भी काम करेंगे जो भी लिखेंगे उसका फॉन्ट चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे जाऊँगा तो शायद दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन छोटी हो जाएगी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी, हमने इसका फॉन्ट चेंज करना था जो कि हमने यहाँ पे इसमें सारा टैग में लिख दिया है, और सिर्फ इसी इसी का करना है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, हो गया क्लोज, और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आके हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो देखो जो हमारा फॉन्ट का जो कलर था ब्लू था और फेस हमारा कोरियर का हो गया सही तरीके से। कोरियर आया नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देखता हूँ मैं। सही है, स्पेलिंग कोरियर का ही फॉन्ट है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन का था, यहाँ पे कोरियर का था। अगर हम एरियल करके देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरियल और सेव कर दूंगा इसको। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो अब ये एरियल का फॉन्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम फॉन्ट का फेस भी चेंज कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम बैकग्राउंड में कलर की बजाय कोई इमेज लगाना चाहें बैकग्राउंड के अंदर, या फिर हम यहाँ पे कोई फ़ोटो लगाना चाहें कोई छोटी फ़ोटो, या फिर कोई लिंक क्रिएट करना चाहें कि उस पर लिंक पे क्लिक करें तो फ़ोटो ओपन हो, तो हम इमेज का यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अभी कमेंट्स में बताइए। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।